नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि गैर मजरुआ जमीन का लगान रसीद क्यों नहीं कट रहा है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों लगान रसीद जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत सारे बना चुका हूं। कुछ सब्सक्राइबर का यह सवाल है कि सर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो है गैर मजरुआ जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रोक लगा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि सन 2015 की बात है। 2015 में बिहार सरकार जो है, जो भी गैर मजरुआ जमीन है उस पर जो है उसका मतलब लगान रसीद काटना जो है उस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा प्लॉट भी है जो गैर मजरुआ है, तो उसका जो है जो एक तो लगान रसीद कटना बंद हो गया, दूसरा जो उसका होता था कि कोई सेल कर देता था, उसका दाखिल खारिज, ये सब कार्य जो है रोक दिया गया है 2015 के बाद। ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम तक जो है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और विशेष रूप से आप ये समझना चाहते हैं गैर मजरुआ के किस फैक्टर में, मतलब गैर मजरुआ यूं कहे तो उसका दो भाग है, एक तो है गैर मजरुआ आम, दूसरा है गैर मजरुआ खास या मालिक। गैर मजरुआ खास को ही गैर मजरुआ मालिक भी बोला जाता है। तो ये दो कैटेगरी है इसमें गैर मजरुआ जमीन में, एक गैर मजरुआ आम, एक गैर मजरुआ खास। तो कौन से कैटेगरी पर खासकर रोक लगाया गया है और किन किन पर रोक लगाया गया है, आप चाहते हैं वीडियो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, विशेष रूप से विस्तारित रूप से मैं उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।